और इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है जैसा एक्सपेक्टेशंस थी। इस गेम के पहले ही इंडिया सेमीफाइनल पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जो है इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल में जा रही है और एडिलेड जा रही है सेमीफाइनल खेलने। हमारे साथ बहुत से फैंस हैं जो इंडियन टीम को फॉलो कर रहे हैं इस पूरे टूर में। दीपक, पहले आपसे बात करेंगे, क्विकली बताइए कि आज की विक्ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? आई मीन इंपॉर्टेंट तो सूर्य की बैटिंग थी ऑफकोर्स, यू नो, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ओपनिंग बैटिंग के साथ में है। देखिए, राहुल जो है वो रन नहीं कर रहे हैं, मतलब रन करते हैं वो बहुत स्लो करते हैं, फिर उसका एडिशनल प्रेशर रोहित के ऊपर आता है। राहुल रन नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे हैं और एडिशनल प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा है, रोहित स्लॉगिंग करते हैं, आउट हो जाते हैं। आप बताइए क्विकली, कंसर्न है रोहित शर्मा की बैटिंग? रोहित शर्मा को खेलना होगा सेमीफाइनल के पहले। अश्विन ने अच्छी कमबैक की है, बाद में अच्छी कमबैक की अश्विन ने, लेकिन जो मेन कंसर्न अभी है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को लेकर कंसर्न है, अब सेमीफाइनल है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बताइए, अगर इंडिया को सेमीफाइनल जीतना है तो रोहित शर्मा को चलना पड़ेगा, उसके बिना इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत सकता। बिल्कुल, अब तक जितने मैच जीते हैं सिर्फ कोहली, सूर्य कुमार और अर्शदीप सिंह ने जितवाए हैं और किसी ने कुछ नहीं किया पूरे मैच में। अर्शदीप सूर्या सबसे अपनी बेस्ट फॉर्म में खेल रहे हैं, और सूर्या सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहा इन्हीं बंदों में और किसी में नहीं है। और देखो, ये पंड्या की जो फॉर्म चल रही है सर, पंड्या को बेसिकली फिनिशर का रोल दिया गया था, लेकिन पंड्या नहीं फिनिश कर पा रहे, पंड्या बिल्कुल कर नहीं पा रहे, तो पंड्या को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। कोहली नंबर वन है, कोहली को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। सेमीफाइनल में क्या करना है ये बताइए, बस जीतना है बस अंग्रेजों के धो दीजिए, दुगना लगान वसूल कीजिए। कैसे जीतना ये बताइए, दुगना लगान वसूल कीजिए, दुगना लगान वसूल कीजिए, लगान वसूल करने से कैसे जीतेंगे? रोहित शर्मा का चलना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी इवन बींग ए कैप्टन अभी तक तो वो लगे हुए हैं, पर कैप्टन के अलावा भी उनको कोई फर्ज है, बींग ए प्लेयर, बींग ए प्लेयर, दैट हैजंट बीन डन, सो ही हैज टू परफॉर्म। नो, इंडिया ने अपने सारे लीग मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ओपनिंग पेयर थोड़ा ट्रबल रहा है, और आज तो खैर कन्विंसिंग विक्ट्री थी। आप बताइए, आप इंडिया की गेम्स को फॉलो कर रही हैं? कर रही है, सच सच बताइए, अभी आपके हिसाब से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं किया है? सूर्य कुमार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सूर्य कुमार ने परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और विराट कोहली भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेमीफाइनल में आप लोग, आपको क्या लगता है कि क्या एक डिफाइनिंग चीज क्या रहेगी इंडिया के लिए, जो जिससे उनको एज मिले, क्योंकि ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है? देखो, जो ओपनिंग अपनी ओपनिंग पे रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को हैज टू बी प्ले, वो फाइनल में धोनी बनेगा, वो फाइनल में धोनी वाले इनिंग्स खेलेगा, रोहित शर्मा फाइनल में धोनी वाले इनिंग्स खेलेंगे। आप बताइए, आप किसके फैन हैं इंडियन टीम में? मैं तो सूर्या स्काई की फैन है। आप स्काई ने तो कमाल कर दिया है, तीन गेम्स में 50 मार चुके हैं स्काई और कोहली, दो ही प्लेयर हमारे खेल रहे हैं अभी तो दो प्लेयर पे आप लेकिन T20 वर्ल्ड कप निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे, हमारे पास बॉलर भी है। स्काई ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट है इंडिया के, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो he is still to reach his potential, I mean he has many years of fine play, so right. India can easily depend on sky and still win the world cup, not just depend karke. Nitin, jaisa aapne kaha ki opponent bahut strong hai, rohit ko khelna hoga aur hame initial 10 over mein kam se kam 90-95 run ka target karna hoga, tabhi 200 banega. Bilkul, main keh raha hu mark wood ko agar khel gaye, mark wood ko khelne ke liye rohit aur rahul ko chalna padega opening part mein, jaise inhone bataya, I fully agree with him ki 10 over mein 90-100 ka target banao, 190 is a par score against England, and most probably we are going to meet Pakistan in the in MCG for final, to itna banana padega opening partnership ko chalana padega, 200 ke upar jana hoga bhai, abhi agla challenge Adelaide hai, chota ground hai, lekin India Adelaide mein acha khelti rahi hai, Sydney ke comparison mein Virat Kohli ka jo Adelaide favorite ground hai, unka love affair jo hai Adelaide ke sath mein chalta rahe, hum to keh rahe hain 100 mare aur jitaye India ko, aap kuch kehna chahenge? Modi ji ki sera 2022 world cup leke jayegi, तो ये हमारे जूनियर फैन है, देखिए ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी एज ए कैप्टन। इंडिया विल विन, आई थिंक वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए सेमीफाइनल में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मुकाबला है, इंग्लैंड से मुकाबला, आई थिंक सूर्य से मुकाबला है, और इंग्लैंड में जोश बटलर से लेकर सब लोग बहुत, आई थिंक सूर्य कुमार यादव की लास्ट शॉट जो पीछे है तो हमारी, इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप 2022 का लेके जाएगा,
लेके जाएगा इंडिया, लेके जाएगा सर इंडिया। काफी कॉन्फिडेंस है लोगों में कि इंडिया अब ये वर्ल्ड कप लेकर जाएगा। अभी फिलहाल सेमीफाइनल में जाना है और सेमीफाइनल के बाद जो है वो अगली डगर है। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए, मुलाकात होगी आपसे एडिलेड में। कैमरा संभाल रहे थे अमित, नितिन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए मेलबर्न से।